बॉर्शन या इसकात हमल सेहत की जरूरत को मद्देनज़र रखते हुए एक आम तबी तरीक़ा है डब्ल्यू एच ओ के ज़रिए तजवीज़ करदा तरीक़ों का इस्तेमाल करके हमल की मदत के लिए मौजू वक्त पर और माहिर डॉक्टरों के जरिए से किया जाना महफूज माना गया है लेकिन हर मुल्क में इससे मुतल कुछ कवानी होते हैं भारत में भी अबॉर्शन से मुतिक कवानी हैं और कुछ अहम अदालती फैसलों ने भी इस समत में रहनुमाई की है अगर तारीख पर नजर डालें तो 1960 तक अबॉर्शन को गैरकानूनी माना जाता था और आईपीसी की दफा 312 और 313 के तहत ऐसा करने पर तीन साल से दस साल तक की सजा का भी इंतजाम था लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ खुवान की जिसमानी व जहनी सेहत और जजगी के दौरान उनके हकूक की आवाजें भी बुलंद होने लगी इनको मद्देनजर रखते हुए सन 1960 में एक कमेटी तश्कील दी गई जिसको ये जिम्मेदारी भी दी गई कि वो इस बात की जांच करे कि क्या भारत में खुवात को अबॉर्शन का हक हाँ मिलना चाहिए या नहीं और फिर यही शांतिलाल शाह कमेटी अपनी सिफारिशात पेश करती है जिसकी बुनियाद पर हुकूमत उन्नीस में एक कानून को मंजूर करती है जिसका नाम था द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट उन्नीस वक्त और जरूरत को देखते हुए इस कानून में बड़ी तब्दीली सन 2021 में की गई जिसे द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के नाम से जाना जाता है अगर तब्दील किए गए कानून पर नज़र डालें तो जहां उन्नीस के कानून में सिर्फ शादीशुदा शुदा को अबॉर्शन का अख्तियार था वहीं 2021 के कानून में यह हक गैर शादीशुदा शुदा को भी दिया गया है इसके अलावा उन्नीस के कानून के मुताबिक हमल ठहरने के 20 हफ्तों के अंदर अबॉर्शन करवाया जा सकता था जबकि 2021 की तब्दीली के मुताबिक जिनसी ज्यादती की शिकार खातून 24 हफ्तों तक भी इसकात हमल करवा सकती है और अगर बच्चे में कोई खामी नज़र आती है तब 24 हफ्तों के बाद भी अबॉर्शन की इजाज़त यह कानून देता है इसके अलावा हमल की किस मुद्दत में कितने डॉक्टर्स की इजाज़त की जरूरत होगी इसमें भी तब्दीली की गई और अगर खातन की प्राइवेसी के साथ कोई धोखा होता है तो ऐसे में अब जुर्माना और सजा दोनों का इंतजाम है आज की पेशकश में इस अहम कानून और खातन की समाजी माशी और घरेलू जिंदगी पर इस कानून के पड़ने वाले असरा पर माहन के जरिए रोशनी डाली जाएगी अपना मुल्क अपना आईन शक्ति संविधान की नाजरीन आदाब आज की पेशकश में आपका इस्तेबाल है और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान किसी भी खातून के लिए हमला होना एक ऐसी हाल होती है जब वो किसी इंसान के दुनिया में आने का जरिया बनती है माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत अजीम माना जाता है लेकिन कभी कभी सूरत हाल किसी जिनसी ज़्यादती की वजह तो कभी जहनी तनाव की वजह भी बन जाती है और ऐसी हाल में इसकात हमल यानी अबॉर्शन के क्या कवानीन हैं इनको समझना इनको जानना हम सब के लिए ज़रूरी है आज की इस पेशकश में इस अहम मौजू पर हम गुफ्तु करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान हमारे साथ हैं मरूफ वकील मोहतरमा रेखा अग्रवाल साहिबा और हमारी दूसरी खास मेहमान हैं मोहतरमा नेहा गुप्ता मैडम आप असटेंट प्रोफेसर हैं आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तेकबाल है आप दोनों के अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे आपका भी आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तेबाल है सबसे पहले आगाज़ करते हैं जब हम बात करते हैं इसकात हमल की या बॉशन की तो रेखा जी हमारे देश में पहले इसको गैर कानूनी माना गया लेकिन कब ये ज़रूरत महसूस की गई कि नहीं अब इसको एक कानूनी मंजूरी दी जाए तो वो क्या कुछ बैकग्राउंड था क्या ज़रूरत थी देश के सामने वो कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो उस वक्त लिए गए देखिए उन्नीस के पहले तक हमारे देश के अंदर गर्भपात कराना यानी कि अबॉर्शन कराने की इजाज़त नहीं थी इसको गैर कानूनी समझा जाता था क्योंकि अगर आप अपने गर्भ में पनपते हुए किसी बच्चे को अगर आप कत्ल कर देते हैं तो ये एक भारतीय संविधान के तहत एक क्राइम माना जाएगा इंडियन पीनल कोड के तहत एक एक ऐसा क्राइम माना जाता है जिसकी जो सज़ा है वो आपको लाइफ सेंटेंस भी मिल सकती थी डेथ सेंटेंस भी मिल सकता था परंतु जैसे समय समय बदलता गया और अगर मैं कहूँ कि समाज में परिवर्तन आया हर परिपेक्ष के अंदर परिवर्तन आया खास करके मैं ये कहूँगी कि महिलाओं में धीरे धीरे करके जागरूकता आई महिलाओं को भी पढ़ाई करने का मौका दिया गया घर के बाहर निकल के आ, काम करने का भी मौका दिया गया तो जो एक पुराने समय की जो महिलाएं थी जिनको जो सिर्फ अपने घर की ज़िंदगी तक लिमिटेड थी उनको अपने घर की दहलीज के बाहर पाँव नहीं रखा था परंतु जब समय बदला तो आ, महिलाओं के अंदर भी जब जागरूकता आई तब तो उनको ये सोचने का अधिकार मिला कि क्या हम वाकई में जो हमारे गर्भ में बच्चा पल रहा है आ, चाहे मैं विवाहिता हूँ चाहे मैं अविवाहिता हूँ क्या मेरे को उसको जन्म देना ही पड़ेगा तो समय की मांग मैं तो यही कहूँगी नुमान भाई कि समय की मांग हुई और देश में ये भी देखा गया क्योंकि उन्नीस के पहले क्योंकि गैरकानूनी माना जाता था तो गर्भपात कराने के लिए कुछ महिलाएं गलत जगह पे जाके अपना गर्भपात कराती थी कुछ मजबूरी के अंदर खास करके जो अविवाहित औरतें होती थी वो गर्भपात करा लेती थी वो जो दाइया होती हैं गलियों के अंदर जो होती है जो अनपढ़ होती हैं उनके साथ करवा लेती थी तो कई बार जान को खतरा हो जाता था बच्चे को गर्भपात कराते कराते महिला खुद का जो है देहांत हो जाता था तो समय की जब मांग हुई कि चाहे वो विवाहित महिला है, जो और abortion abortion थी, जो थी थी। उस वक्त भी हो रहे थे तब भी हो रहे थे परंतु वो जिसको कहते हैं एक दबा हुआ एक टॉपिक था जिसके बारे में कोई अक्नोलेज नहीं करना चाहता था कि उसको जैसे कहते हैं कि उसको आप एडमिट नहीं करोगे कि हाँ हमारे शहर में या हमारे देश के अंदर ऐसा काम हो रहा है परंतु जब ये अनसेफ अबॉर्शन्स की बात है जब आगे आई निकल के आई और पता चला कि भी फलानी महिला जो है उसका देहांत तो हो गया मृत्यु हो गई क्योंकि अनसेफ अबॉर्शन कराने की कोशिश करी क्या ये एक क्रिमिनल एक्ट बनता है अगर एक विवाहित औरत ने भी अगर अपना अबॉर्शन कराया अपने पति या ससुराल वालों को बिना पूछे करवाया तो क्या ये उनके गृहस्थ जीवन के जो अधिकार हैं उसको भी इफेक्ट करता है तो कई ऐसी वजह थी जिसके अंदर खास करके हमारे संविधान बनाने वालों को लगा कि लॉ मेकर्स को लगा कि हमें इसमें अब समय के साथ साथ बदलना पड़ेगा और अब महिलाओं को भी वो पूरा का पूरा अधिकार देना चाहिए देना चाहिए, देना चाहिए। जो संविधान के अंदर बराबरी का अधिकार देता है खास करके एक तो बराबरी का और एक जो एक और जो फंडामेंटल राइट right है वो है राइट टू बॉडी राइट टू गुड हेल्थ तो इन सब को देखते हुए 1971 के अंदर पहली बार जो कानून बना राइट टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून बना जहाँ पर महिलाओं को जो 20 महीने हफ्ते तक का जो गर्भ था उसका टर्मिनेट करने की उसका गर्भपात करने की इजाज़त मिली पर उन्नीस सौ और आज हम 2024 के अंदर हैं तो 2021 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 40 सालों के बाद में ये बड़ी तव्दिली, बहुत तव्दिली बड़ी हरां। हुई जो अमेंडमेंट आया उसमें कानून में संशोधन आया क्योंकि जरूरी नहीं है कि बीस हफ्ते तक का ही गर्भ है जिसको आप तो उसे कर सकते तो कई बार होता था कि आपको पता नहीं के चलता वक्त में बार हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो वहां पर भी एक जरूरत महसूस होती है लेकिन सबसे पहले 1971 में जो कानून आया उसको भी नेहा जी से समझने की कोशिश करेंगे हम नेहा मैडम 1971 का कानून क्या कुछ उसके अंदर ऐसी बातें थी जिनको जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी है और कहाँ कुछ देखा जाए तो राहत थी महिलाओं के लिए एक बड़ी कि हाँ अब वो भी इस ताल्लुक से फैसला ले सकती है Okay. Uh, जैसे कि अभी रेखा मैम ने बताया कि उन्नीस से पहले तक हमारे पास कोई कानून नहीं था तो जो महिलाएं थीं वो एक अनसेफ अबॉर्शन का रास्ता अपनाते थे तो जो डब्ल्यू एच ओ है उसके अनुसार अनसेफ अबॉर्शन मतलब कि आपने अबॉर्शन ऐसे व्यक्ति से कराया है जिसके पास इसकी स्किल्स uh, नहीं हैं या फिर जो मिनिमम मेडिकल मापदंड हैं आप उनको फॉलो नहीं करते या फिर ये दोनों तो क्योंकि हमारे पास कोई कानून नहीं था दूसरा कि सोसाइटी में स्टिग्मा है एक टैबू है अबॉर्शन क्योंकि एक महिला को बोलते हैं औरत जननी है औरत, औरत शक्ति है तो एक नेचुरल प्रोसेस uh, समझा जाता है कि वो कभी म, मना कर ही नहीं सकती शी कैन नेवर बी रिल्कटेंट टू रिप्रोड्यूस वो हेजिटेट नहीं कर सकती तो एक अबॉर्शन uh, के लिए आप किसी भी नीम हकीम के पास जा रहे थे एंड देन जो अनमैरिड हैं उनके तो और ज़्यादा एक टैबू एसोसिएटेड है या कोई रेप विक्टिम है इंसेस्ट जो उस वक्त पर इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड uh, नहीं था जहाँ आपका परिवार के ही लोग आपका शोषण कर रहे हैं तो इन सब वजहों से अगर किसी को गर्भपात कराना था तो वो अनसेफ किसी भी लोगों के पास या उनके पास uh, पैसे की कमी है हेल्थ केयर फैसिलिटी की एक्सेस नहीं है तो ये उन्नीस का जो कानून था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था सेफ अबॉर्शन बिकॉज अगर हम राइट टू लाइफ दे रहे हैं, राइट तू बर्थ दे रहे रहे हैं हैं तो राइट राइट टू टू बर्थ तो अबॉर्शन भी माना गया था तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव सेफ अबॉर्शन है कुछ हाईलाइट उसके थे आपने की, की बात क्या कुछ उनकी गाइडलाइंस हैं इस तरह की जिनको फॉलो करना जरूरी है या उन्होंने कुछ पैमाना सेट किया या सिर्फ किसी मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उसी के ज़रिए होना चाहिए हाँ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के जरिए होना चाहिए या कोई जो स्किल्ड हो, हो जो मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो कि दिए हुए हैं उनको फॉलो करें क्योंकि इनके रिपोर्ट्स आते रहते हैं यूएन के रिपोर्ट्स आते हैं अभी अगर 2022 की रिपोर्ट में बताओ आपको यूएन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन फंडिंग ऑफ द वर्ल्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स रिपोर्ट होती है उसमें अनसेफ अबॉर्शंस को थर्ड लीडिंग कॉज माना गया है मेटर्नल डेथ्स का यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका डेथ uh, का तीसरा मेजर कारण ऑलमोस्ट आठ महिलाएं ऐसी हैं भारत में जिनका रोज डेथ uh, हो रही है बिकॉज ऑफ अनसेफ अबॉर्शंस वन इन सेवन विश्व में जो सात अन इंटेंडेड प्रेगनेंसीज़ हैं उनमें से एक अन इंटेंडेड प्रेगनेंसी भारत में हो रही है रोज़ सो so, अनइंटेंडेड प्रेग्नेंसीज हो सकती है या तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं कर रहे हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर हो गया या रेप की वजह से इंसेस्ट की वजह से डिफरेंटली एबल्ड माइनर सो इन किन्हीं कारणों से अगर वो प्रेगनेंसी अन इंटेंडिड है आपने वो प्लान नहीं करी थी तो आप उसका गर्भपात का एक राइट उन्नीस सौ इकहत्तर में दिया गया था उसमें 12 हफ्ते तक की अगर प्रेगनेंसी है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन रिपोर्ट चाहिए कि भाई ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है 20 हफ्ते की अगर प्रेगनेंसी है तो उसके लिए दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत थी और 20 हफ्ते के बियॉन्ड किसी को अगर गर्भपात कराना है तो उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता था जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप रिट पटिशन दाखिल करते हैं तो अगर कोर्ट आपको वो अनुमति देगी कि आप गर्भपात करा सकते हैं तभी आप गर्भपात करा सकते हैं तो वो एक मेजर uh, रीज़न ये रिट पटिशन्स जब बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के पास आ रही थी क्योंकि 1971 के कानून में अनमैरिड वमेन वर नॉट इन्क्लूडेड uh, उस वक्त शादी सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को ही आर दिया गया था कि वो मतलब कुछ पर्टिकुलर सूरतेहाल के अंदर जो है वो इसको करवा सकती हैं तो उसकी वजह से फिर ये सारे सुप्रीम कोर्ट ने फिर जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ओपिनियन ली कि 1971 के कानून में क्या लूपहोल्स हैं हमें क्या अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है तो 2021 का जो नया अमेंडमेंट amended एक्ट आया है उसके मैं आपको कुछ की हाइलाइट्स क्या चेंजेस हुए हैं तो पहली चीज़ तो अब 2021 का जो कानून है वो केवल विवाहित महिलाओं तक सीमित नहीं है उसमें अविवाहित महिलाएं जो रेप सर्वाइवर्स हैं इंसेस सर्वाइवर्स हैं इवन जो प्रेगनेंसी के दौरान जिनका मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाता है यानी जो शुरू में मैरिड थे बट इन नौ महीनों में उनका डिवोर्स हो गया या वो विडो हो गए दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड डिफरेंटली एबल्ड वीमेन जो माइनर्स हैं और ऑफ़ कोर्स जिसको कोई फीटल एबनॉर्मैलिटी है वो सब अभी इसमें इंक्लूडेड है एक कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है क्योंकि आ, अभी उन्नीस सौ इकहत्तर वाले में कॉन्फिडेंशियली की वही बात नहीं की गई थी कि अगर किसी का कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर स्पेसिफिकली नहीं था इसमें अभी स्पेसिफिकली है कि वो इन्फॉर्मेशन किस महिला ने गर्भपात कराया है ये इन्फॉर्मेशन केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो लॉ से ऑथराइज हैं बाकी किसी को उनका नाम नहीं बताया जाएगा ये एक सेफ अबॉर्शन को एनकरेज करने के लिए है क्योंकि हमारे समाज में ये एक बहुत टैबू है लेकिन तो, अगर कोई रिवील कर देता है कहीं किसी क्लिनिक पर कहीं किसी डॉक्टर से या किसी हॉस्पिटल से हो जाती है उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है इसके अंदर क्या, तो क्या आप कुछ आप हानि का केस उन पर कर सकते हैं बिकॉज ये एक्ट स्पेसिफिकली मना करता है कि आप इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करेंगे राइट टू प्राइवेसी का इनफ्रेंचमेंट है रेखा जी क्या कुछ जुर्माना भी किया जा सकता है इस इसके अंदर देखिए जैसे नेहा मैम ने कहा कि आपका राइट टू प्राइवेसी को अफेक्ट करता है और अब हमारे संविधान में जहाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो अच्छा जीवन जीने का एक मतलब ये भी है राइट टू प्राइवेसी तो अलग से तो कहीं पर भी जो हमारे आर्टिकल्स uh, हैं जो हमें फंडामेंटल राइट right देते हैं उसमें राइट टू प्राइवेसी अलग से तो कहीं नहीं लिखा गया है परंतु एक राइट टू गुड लाइफ की अगर हम बात करते हैं उसके अंदर राइट टू प्राइवेसी भी है तो जहाँ पर भी अगर आपका ये प्राइवेसी का हनन होता है और आपके बारे में जो कॉन्फिडेंशियल जो एक बात है कि आपने अपना एम करवाया है अगर उसको कोई पब्लिक कर देता है जानबूझ के कोई डॉक्टर या कोई इंस्टीट्यूट कर देता है तो आप उनके ऊपर मानहानि का दावा कर सकते हैं परंतु तो ये बात अलग है कि हमारे देश के अंदर जो मानहानि का कानून है वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है और उसके लिए एक आपको एक बहुत लंबा युद्ध लड़ना पड़ता है उसके लिए आप सिर्फ हरजाना मांग सकते हैं एक सिविल केस करेंगे दीवानी मुकदमा करेंगे तो हरजाना मांगेंगे उसमें बहुत साल लग जाते हैं और अगर हम फौजदारी के मुकदमे की बात करते हैं कि मानहानि हुई है मेरे को उसके लिए आपको आपको ये भी साबित करना पड़ता है कि आप, आप समाज में बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जहाँ पे आपका जो इज्जत है किस तरीके से आप किस तरह से शर्मसार हुए हैं तो जो डेफेमेशन का लॉ है आप अखबारों में या मीडिया पर देखते होंगे खासकर बड़े बड़े लोगों के ही होते हैं पॉलिटिशन्स के ज़्यादा कर होते हैं या एक्टर्स एक्ट्रेसेस के होते हैं और हमारे देश में अभी भी राइट टू प्राइवेसी को इतना इंपॉर्टेंट राइट नहीं माना जाता है और सब कुछ ऐसे कहते हैं ना हर व्यक्ति को दूसरे के बारे में जानने की इच्छा और कहते हैं कि गॉसिप करने की इच्छा होती है लेकिन एमटीपी अमेंडमेंट के अंदर उसको भी कही कहीं ना कहीं जगह कहीं पर किसी के साथ इस तरह की कोई ज्यादा ना हो और जब हम बात करते हैं इसी की ही अगर हम मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो क्या इसमें अब जैसे आपने कहा कि 20 महीने से आप 24 20 हफ्ते से 24 हफ्ते तक कर सकते हैं क्या 24 के बाद भी कोई प्रावधान है मैं चाहूँगा अस्पताल नुमान जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बिकॉज ये हाल ही के अंदर एक महिला जो चौबीस हफ्ते से ज़्यादा यानी कि छब्बीस हफ्तों के उनके पेट के अंदर गर्भ था अभी पनप चुका था तो वो एक शादीशुदा महिला हैं और उनके पहले ही बच्चे थे दो बच्चे शायद थे उनके और वो वापस से एक और बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी तो वो जब डॉक्टर के पास गई अपना एम करवाने के लिए अबॉर्शन करवाने के लिए तो वहाँ पर उनको मना कर दिया गया क्यों? क्योंकि जैसे कि मैडम ने भी बोला अभी कि क्लियरली है जो 2021 का जो अमेंडमेंट है वो भी आपको 20 से लेकर 24 तक हफ्तों तक का परमिशन देता है यहाँ पे तो ये महिला 26 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी थी तो जो डॉक्टर्स ने तो उनको बिल्कुल मना कर दिया उसके बाद भी उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई आर्टिकल 32 के अंदर अब रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी राइट टू लाइफ और वगैरह वगैरह जो कई फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में गुहार करी बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहाँ पर जिसके बारे में दो व्यूज़ अपने अपने पर्सनल किसी भी व्यक्ति के हो सकते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था या गलत था क्योंकि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को जो छब्बीस हफ्ते तक प्रेग्नेंट थी उनको अबॉर्शन करने की परमिशन नहीं दी जबकि सुप्रीम ये तीन जजेस की बेंच थी जिन्होंने इस फैसले को करा जबकि उसी सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस की जो बेंच थी उन्होंने कुछ दिन पहले ही उस महिला को परमिशन दे दी थी कि वो छब्बीस हफ्ते की प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट करवा सकती हैं, हैं।, हैं।, हैं। आ, अब उसके अंदर मसला यही था कि जो राइट टू तो लाइफ उस महिला का है आ, एक अच्छे जीवन को जीने का क्या किस ग्राउंड पर दी जाएगी, वो कि वो जाएगी? किस ग्राउंड पर दी जाएगी और जो बच्चा जो उनके गर्भ के अंदर है क्या उस अनबॉर्न चाइल्ड का जो जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है क्या उसके भी कोई फंडामेंटल राइट्स हैं तो राइट टू राइट ऑफ लाइफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड एंड राइट ऑफ लाइफ ऑफ मैरिड वुमन जो एक भारत की नागरिक है तो इन दोनों चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया ये भी चीज़ें कंसिडर करी कि वो जो महिला जो अगर उस बच्चे को जन्म दे भी देती है तो क्या वो उस उसको किस तरीके से पाल सकती है उस बच्चे को अगर प्री टर्म अगर पहले ही उसको अबॉर्शन करके उसको अगर मतलब उसको डिलीवरी उसकी समय से पहले उसकी डिलीवरी करा दी जाए तो वो बच्चा क्या अच्छा जीवन आ, हेल्दी बच्चा पैदा होगा क्या क्या वो उसको आगे आ, अगर वो चाहे तो उसको में दे सकती है तो कई चारी चारी एक, एक बच्चा छोटा एक कोई एक साल का भी था एक छोटा बच्चा था उस महिला का दूसरा उनकी मानसिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वो जी और तो महिला का यही कहना था कि मेरे को ये पता ही नहीं था ये मेरी गलती नहीं है कि मुझे पता ही नहीं चला अगर मुझे पहले पता चला

चेक एंड बैलेंस के रूप में मेडिकल बोर्ड का प्रावधान रखा है State जो जो हर स्टेट एक मेडिकल बोर्ड बनाएगा जिसमें एक गायनोकोलॉजिस्ट एक पेड्रिट्रेशन और एक रेडियोलॉजिस्ट और कुछ और मेंबर्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो इनकी ओपिनियन लेना ज़रूरी है कि क्या इतनी एबनॉर्मेलिटीज रहेंगी कि वो बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो एक सामान्य जीवन नहीं जी सकता तो औरत की इच्छा को नहीं प्राथमिकता दी गई है इसमें मेडिकल बोर्ड की अनुमति उनकी क्या ओपिनियन है और ये एक इसका क्रिटिसिज्म भी है कि राइट टू ऑटोनोमी जहाँ जैसे मैम ने अभी सुप्रीम कोर्ट का बताया है क्योंकि 2021 में जब ये एक्ट आया था तो 2022 में एक 22 साल बाईस हफ्ते की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी थी ये उसमें राइट टू ऑटोनमी राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइस को प्राथमिकता दी थी पर ये अभी जो थ्री जज बेंच का डिसीजन आया है उसमें कोर्ट ने राइट टू लाइफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड क्योंकि 26 हफ्ते पाँच दिन का जब फीटस हो गया तो उसकी एक वाइबल हार्ट बीट आ गई है अगर उसको हम टर्मिनेट करेंगे तो डॉक्टर्स को बोलना पड़ेगा कि आप उसकी हार्ट बीट रोकिए अदरवाइज अगर उसको हार्ट बीट बंद करने का नहीं बोलते तो अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है तो वो एक प्री टर्म चाइल्ड की तरह जन्म लेगा वो उसका सर्वाइवल रेट एक फुल टर्म फीटर एक फुल टर्म चाइल्ड जो होगा नौ महीने के बाद उसकी तरह उतना सर्वाइवल रेट नहीं होगा तो कोर्ट ने इस केस में बोला कि जब 26 हफ्ते पाँच दिन हो गए उसमें एक हार्ट बीट आ गई है तो वो एक वायबल फीटस है उसको हम डॉक्टर्स को नहीं बोल सकते कि इसका हार्ट बीट बंद करिए तो अब इस स्टेज पर इसको एक फीटस की राइट टू लाइफ को प्राथमिकता दी जाएगी कि उसको एक जीवन जीने का अधिकार है लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि एक मेडिक, स्टेट मेडिकल बोर्ड जो है उसमें फैसला लेगा और इधर हम हफ़्ते दर हफ़्ते की बात कर रहे हैं बीस हफ्ते चौबीस हफ़्ते और उससे ज़्यादा की बात कर रहे हैं क्या कोई समय सीमा क्या कोई वक्त तय किया गया है कि जिसके अंदर ये फैसला लेना ज़रूरी होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेट मेडिकल बोर्ड के फैसला लेने तक ये जो हफ्ते हैं, है। हैं और ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं वो तीन दिन का समय दिया है जब मेडिकल बोर्ड को अप्रोच किया जाएगा उसके तीन दिन में क्योंकि मेडिकल बोर्ड का प्रावधान छब्बीस चौबीस हफ्ते के बाद आ रहा है तो ऑब्वियसली एक ऑलरेडी समय निकल चुका है काफ़ी जहाँ एक एक दिन अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये निर्णय लेने के लिए तो तीन दिन में उनको अपना डिसीजन देना होगा तीन दिन में अपना डिसीजन देना होगा। तो अब यहाँ पर इस डिस्कशन को अब लेकर के चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ जहाँ स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब लेकिन उससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आई और अब चलते हैं सवाल और जवाब के दौर की तरफ जी हां किसका सवाल है और क्या पूछना चाहते हैं सबसे पहले सवाल पूछना चाहता हूं कि रेप विक्टिम हो सकते हैं जो गांवों में रहते हैं तो उधर मेडिकल की फैसिलिटी बहुत कम होती है तो 24 हफ्ते उनको कैसे उनका प्रावधान क्या है और क्या उसके बारे में बता सकते हैं प्लीज गाँव में किसके ताल्लुक से पूछ रहे हैं कि जहाँ रेप सर्वाइवर्स भी हमारे होते हैं इनके साथ रेप हो गया और ये समय सीमा बहुत कम है चौबीस हफ्ते की और अ, मेडिकल फैसिलिटीज़ के ताल्लुक से बात कर रहे हैं कि जहाँ इतनी नहीं है तो वहाँ किस तरह से इस मसले को हल किया जाएगा आ, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि गाँवों के अंदर इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती शहरों के कंपेरिजन के अंदर परंतु जब एम एक्ट बना था उन्नीस में तब भी इस बात को सोचा गया था कि 20 हफ्तों मतलब कितने समय तक का जो गर्भ है उसको टर्मिनेट करने की इजाज़त दी सकती है तो जो 20 हफ्ते का समय था उसको ऑलरेडी 2021 का जो संशोधन किया गया अमेंडमेंट एक्ट आया है उसके अंदर 20 का 24 हफ्ते बना दिया गया है तो भले गांव के अंदर फैसिलिटीज़ कम हो परंतु सरकारी अस्पताल तो हर गांव के अंदर है और आजकल तो मेडिकल फैसिलिटीज़ मैं ये समझती हूँ मुझे विश्वास है कि हर जगह अच्छी ही हैं तो अगर कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट है और उसको लगता है कि मेरे को इस अपने बच्चे को आगे टर्मिनेट करना है और मेरे को इस प्रेगनेंसी को नहीं रखना तो समय समय पर अगर वो डॉक्टर के पास जाती हैं जांच करवाने के लिए और उनको पता चलता है कि मेरा जो फीटस है वो चौबीस हफ्ते के अंदर अंदर है तो उनको तुरंत उसमें एक्शन लेना चाहिए उसको टर्मिनेट करवाने का पर अगर चौबीस हफ़्ते के ऊपर हो गया है तो माफ़ करिए उसके लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है सिर्फ़ वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है शायद कोई या हाई कोर्ट जा सकती हैं

जहाँ उन्होंने कहा है कि जिन देशों में अबॉर्शन के गर्भपात के अधिकार हैं वहाँ जितने अबॉर्शन हो रहे हैं और जितने जिन देशों में गर्भपात के अधिकार नहीं हैं वहाँ जितने अबॉर्शन रेट हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है तो कानून होने से अबॉर्शन रेट कम नहीं होगा पर कानून होने से सेफ अबॉर्शन के जरिए हम एक महिला की हेल्थ को और क्योंकि महिला की हेल्थ के साथ साथ ओवरऑल सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी हम बचा सकते हैं माय नेम इज कौशिकी खन्ना एंड माय क्वेश्चन गोज टू रेखा मैम मैम एज यू डिस्कस दैट थ्री बेंच सुप्रीम कोर्ट केसेस सो मैम कुड यू थिंक दैट इफ़ वुमेन इज नॉट अवेयर दैट दैट हर प्रेगनेंसी इज बियॉन्ड ट्वेंटी फोर वीक्स सो शी शुड बी गिवे एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एन अडोशन पता नहीं है क्या करें ये बहुत ज्यादा मसला आता है खासतौर से हमारे ग्रामीण इलाकों में भी बहुत मसला हाँ, आता है या तो बातचीत में या सोचने में या फिर परिवार के साथ बैठ करके विचार करने में समय निकल जाता है या फिर बाद में पता लग रहा है तो ऐसे हालात में क्या किया जाए देखिए इसका मैं यही कह सकती हूँ कि जैसे पहले प्रश्न का भी मैंने जवाब दिया था कानून के अंदर एक लिमिट बनी हुई है पहले 20 हफ्तों तक की थी और उसके बाद में उसको वो चौबीस हफ्तों की जो है वो कर दी गई है परंतु अगर उसके बाद में अगर कोई महिला कहती कि जी मुझे तो पता ही नहीं था तो कोर्ट को पहली बात तो जाके उनको परमिशन लेनी पड़ेगी और उनको साबित करना पड़ेगा कि क्यों मुझे मालूम नहीं था क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मैं सही समय के ऊपर इसके बारे में कुछ कर नहीं सकी और अगर मुझे ऐसे नहीं लगता कि ऐसे केसेस के अंदर अगर कोई महिला कहती है कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी प्रेगनेंसी हो गई है बहुत ही कुछ ऐसे विशेष कारण होंगे जहाँ पर उस महिला को गर्भपात करने की इजाज़त मिलेगी पर जैसे हाल ही का जो फैसला हुआ था वो वो भी तीन जजेस की खंडपीठ का था वहाँ पर उस महिला को गर्भात करने की इजाजत नहीं दी गई जितने भी कारण बताए गए थे उस याचिका के अंदर वो कोर्ट की दृष्टि के अंदर सही नहीं थे और यह कहना कि मुझे तो अपने प्रेगनेंसी के बारे में मालूम नहीं है उस महिला ने भी यही कहा था तो जो और ये हाल ही की बात है तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई महिला ये कहेगी कि मुझे पता नहीं था इसलिए मेरे को अब 24 हफ्ते के बाद भी करने की इजाज़त दी जाए बहुत ही एक्सेप्शनल कारण होंगे जहाँ पर जैसे खासकर अगर उस औरत की महिला की जीवन को कोई खतरा होगा या जो बच्चा जो पैदा होने वाला है उसकी जान को कोई खतरा है ऐसे कोई विशेष कारण होंगे तब जाके शायद कहीं पर कोर्ट से कुछ उम्मीद हो सकती है अदरवाइज कानून के अंदर 24 हफ्ते के बाद की इजाजत नहीं है बट right in बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है बट मुझे वो चाइल्ड नहीं चाहिए सो इजर एनी प्रोविजन की मैं अबॉर्शन करा सकती हूँ या नहीं बहुत अहम okay. सवाल है क्योंकि okay. अब कोई कमी नहीं है कहीं कुछ नहीं है सिर्फ उस महिला की मर्जी नहीं है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है आ, आज के टाइम में स्पेशली क्योंकि आ, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है और जो करियर क्लॉक है इसमें कोई सिमेट्री नहीं रहती जनरली कॉन्फ्लिक्ट ही होता है तो एक महिला जो नहीं चाहती बच्चे को जन्म देना क्योंकि आ, एक बच्चे के जन्म में चाहे माँ और बाप दोनों का योगदान है बट बायोलॉजिकली एक महिला ही उस कंसेप्शन के बाद नौ महीने तक बच्चे को रखती है तो उसका शारीरिक आर्थिक मानसिक सारी चुनौतियों का सामना वो महिला करती है पर भारत में अभी तक एक राइट टू अबॉर्शन नहीं है हमारे यहाँ सेंक्शनड अबॉर्शन है जिसका मतलब है कि जो कानून ने आपको आ, अपॉर्चुनिटी दी है जो कानून ने सैंक्शंस दिए हैं कि इन 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 स्थितियों में इतने समय सीमा तक आप अबॉर्शन करा सकते हो तो वो है अगर की इच्छा नहीं है तो इच्छा के बेसिस पे अबॉर्शन अधिकार नहीं है ने ने नीदरलैंड में है उन्हीं कई यूरोपियन मैं बस इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि अगर खास करके अगर विवाहित महिला है और वो आ, आ, बच्चे को इस तरीके से टर्मिनेट करवाना चाहती हैं तो वहाँ पर और मैट्रिमोनियल इश्यूज भी और आ जाते हैं।, हैं क्योंकि सिर्फ एक जो बच्चा है मैं मानती हूँ कि उसकी पूरी की पूरी जो बायोलॉजिकल ज़िम्मेदारी खासकर माता की होती और महिला की होती है परंतु वो बच्चा जो है उसके गर्भ में अगर आया है तो वो भी किसी पुरुष की वजह से आया और अगर उसका वो पति है तो क्या पति के भी कुछ अधिकार हैं उस बच्चे के प्रति तो मैं अगर अपनी दृष्टि से सोचती हूँ तो मेरे विवेक के अंदर तो यही है कि सिर्फ उस बच्चे के खास करके एक मैरिड लाइफ के अंदर बच्चे के जो अनबॉर्न चाइल्ड है आ, उसके ऊपर सिर्फ माँ ही अपना अधिकार नहीं क्लेम कर सकती कि मेरा शरीर है मैं देखूँगी कि मेरे को बच्चे को पैदा करना है कि नहीं करना आ, जो उसका पति है उसके भी पूरे के पूरे अधिकार हैं अगर उसका जो पति है वो भी पिता बनना चाहता है तो ये भी उसका फंडामेंटल राइट right है और एक हैप्पी मैरिड लाइफ जो है विवाहिता ज़िंदगी उसके अंदर संतान होना जहाँ माँ मा को खुशी देता है उतना कि उतना पिता को भी देता है तो हमें महिलाओं की जब हम बराबरी की बात करते हैं ख़ास करके आजकल के संदर्भ के अंदर जहाँ पर महिलाएं कदम से कदम पुरुषों के साथ चल रही हैं

एक औरत अपना गर्भपात करा सकती है 24 वीक तो सिर्फ औरत पे ही क्यों है अगर दो बच्चों के बाद एक औरत कभी भी कराना चाहती है तो उस पे राइट क्यों नहीं है उसके पास इस पे आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन कि आपका क्या आप बचा आप दोनों नहीं? के लिए क्वेश्चन है आई थिंक एक तो हेल्थ ऑफ वुमेन को भी मद्देनजर रखते हुए एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि uh, क्योंकि जैसे-जैसे 24 हफ्ते के बाद जो समय बढ़ता जाता है तो जो एडवांस स्टेजेस ऑफ़ प्रेगनेंसी में अबॉर्शन करवाना उसकी महिला की जान के लिए भी खतरा हो सकता है स्पेशली अगर वो एक अनसेफ अबॉर्शन है तो उनकी डेथ भी हो सकती है इस उसमें दूसरा कि ये एक सोशल लेजिस्लेशन uh, भी है कि इसको बिना किसी कारण के कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आ, कोई फीटस में अब नॉर्मैलिटी नहीं है पर पति पत्नी के बीच में आपसी डिसएग्रीमेंट हो गया तो वो उसको एक क्रुअलिटी कॉज करने के लिए अबॉर्शन कराए सिर्फ बदला लेने के लिए ऐसे भी केसेस हो सकते हैं तो उन सब को मद्देनजर रखते हुए एक समय सीमा निर्धारित की गई है जी रहा मैं, मैं। यहाँ पर हिमांशी में यहाँ पर यही ऐड करूँगी कि आ, महिलाओं के अधिकार हैं और ये आपने ये भी कहा कि हम कहते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे नो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा बच्चों को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए परंतु कोई भी जो हमारा फंडामेंटल राइट right है जो हमारे संविधान के अंदर है और उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी कंट्रोल के है तो चेक्स एंड बैलेंसेज हर हर एक चीज़ के साथ हैं तो अगर हमारे अधिकार हैं तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी हैं और अगर कोई ख़ास करके अगर हम विवाहित महिला की बात करते हैं तो उसके भी समाज में अपने पति की तरफ भी जिम्मेदारी है अपनी खुद के लिए तो है ही कि उसका राइट टू लाइफ है कि मैं अपने जीवन को कैसे जीना चाहती हूँ परंतु उसके साथ साथ तो इसमें इस धर्म का भी कहीं पर इशू आ जाता है पर उसके बारे में यहाँ पर मैं नहीं जानना चाहती हूँ मैं सिर्फ यहाँ पर यह हूँ कि समाज को जोड़ने की अगर हम बात करें तो हम इतने ज्यादा अभी पश्चिम की तरह नहीं मर गए और अगर पश्चिम की बात करें तो वेस्ट में तो यूएसए के अंदर तो ये अधिकार टोटली ले ही जो एक रो वर्सेस वेट की जो जजमेंट थी आपने शायद उसके बारे में पढ़ा होगा जहां पर महिलाओं को जो अधिकार मिला हुआ था वो अधिकार गर्भपात करने का ले लिया गया है तो आप एक बच्चा पैदा कर रहे हैं या बच्चे की खत्म कर रहे हैं ये कोई मजाक नहीं है कि जब चाहे कोई महिला जाके कहे कि मेरा शरीर है मैं अधिकार अपना अपना फंडामेंटल राइट इख्तियार कर रही हूँ मैं बच्चे का गर्वक करवाना चाहती हूँ कहीं पर उसमें कुछ संजीदगी से हमें उसके बारे में सोचना चाहिए इस इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगी कि ये जो एक्ट एम जो एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव परिवार नियोजन नहीं है परिवार नियोजन के और कई तरीके हैं और जो कॉन्ट्रासेप्टिव के फेलियर की वजह से अगर अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी है उसको एम अलाउ करती है तो बच्चे दो ही अच्छे को अचीव करने के लिए दूसरे उपाय आई थिंक है एम एक्ट नहीं है उसके लिए और कई सारे सवाल यहाँ पर आ जाते हैं कि जहाँ हम एक महिला के फैसले की बात करते हैं उसकी इजाज़त की बात करते हैं वहीं 24 हफ्तों के बाद में एक और ज़िंदगी का सवाल होता है जिसके ताल्लुक से भी फैसले लेना है कि वेलफेयर स्टेट के लिए ज़रूरी होता है और इसी लिए जो कंडीशन बनाई गई हैं वो दो लोगों की जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है अगले सवाल की तरफ बढ़ें ये एक मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो ये ड्यूरेशन है 24 वीक्स का क्या ये 24 वीक्स और एक्सटेंड होने चाहिए क्या 24 हफ्ते से और ज्यादा समय बढ़ना चाहिए इसमें मैं यही जवाब दे सकती हूँ इसमें कि ये एक मेडिकल क्वेश्चन है कि डॉक्टर्स ही डिसाइड कर सकते हैं कि 24 हफ्ते तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना सेफ है कि नहीं तो जो 20 हफ्तों का टाइम जो है 24 तक करा गया है वो भी बहुत सोच समझ के करा गया आप ये सोचिए कि 1971 में कानून बना था और संशोधन हुआ है 2021 के अंदर तो 20 हफ्तों से लेकर अगर आपने उसको 24 हफ्ते का किया तो वो भी सोच समझ के किया चौबीस हफ्ते के बाद में क्या महिला की जान को खतरा हो सकता है ये देखना बहुत जरूरी है तो इसमें जो एक मेडिकल विशेषज्ञ हैं

तो उसमें अबॉर्शन पर आपकी क्या राय है और उस अबॉर्शन में माइनर की कंसेंट कितना वैल्यू रखती है कि वो अबॉर्शन कराना चाहते हैं या नहीं बहुत ही अच्छा सवाल किया बहुत ही नॉवल तरीके से आपने इस प्रश्न को करा है और आजकल के ज़माने में जहाँ पे मैं कहूँगी बहुत खुली दुनिया बन गई है स्पेशली इंटरनेट की वजह से सोशल मीडिया की वजह से कुछ प्रेगनेंसीज जो मैं यहाँ पर कहूँगी जिसको हम अगर कहूँ प्री मैरिटल सेक्स की अगर बात करूँ ओपन रिलेशनशिप्स हो रही हैं लिव इन रिलेशनशिप्स हो रही हैं Uh, जबकि ये लिव इन रिलेशनशिप्स भी जो माइनर्स को परमिटेड नहीं है या अगर हम इसमें यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मेजर हैं जो महिला जो अगर कोई इन रिलेशनशिप में भी जाती है तो वो मेजर है परंतु जहाँ पर माइनर्स की बात आती है जहाँ पर मैं यही सोचती हूँ कि ये प्रेगनेंसीज अनवांटेड प्रेगनेंसीज होंगी जो या तो uh, uh, जिसको कहते हैं कि माइनर्स uh, ने दो माइनर्स ने फिजिकल रिलेशनशिप करी पर बिना सोचे समझे कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो रेप ही हो Uh, जबकि हमारा कानून कहता है कि uh, 18 साल के कम उम्र की लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो उसका पार्टनर है उसके ऊपर रेप का बलात्कार का इल्ज़ाम लगाया जाएगा तो यहाँ पर अगर कोई माइनर लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने की इजाज़त जो है मिलनी चाहिए अगर वो इस बात को साबित कर देती है कोर्ट के अंदर uh, 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 जब वो अप, अपना एम करवाने को जाती पहली बात तो एक डॉक्टर जो है वो कर नहीं सकता है अपने आप नहीं कर सकता because she is a minor, जो 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 आ, आ, उसका कराने की जो जो है वो सिर्फ एक एक आपको को को मिली है, minor को नहीं मिली हुई, हुई नहीं है। उसका क्या क्या कि, कि कितना क्या उसको उसकी बालिग होने की उसमें कुछ डिफाइन की गई है कानून के अंदर कानून के अंदर बालिग होने की उम्र 18 साल है तो जो एक अट्ठारह साल के पहले की जो इस तरह की जो प्रेगनेंसी होगी उसके अंदर माइनर अगर डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं कि जी मेरे को इसको टर्मिनेट कराना है तो उसको अपने आप इजाज़त नहीं मिलेगी और अगर वो कोई रेप विक्टिम है या इंसेस्ट की विक्टिम है तो उसको आखिर के अंदर जाके कोर्ट से ही परमिशन लेनी पड़ेगी उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने की अगले सवाल की तरफ बढ़। जी मेरा नाम अनमोल गुलाटी है और मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी महिला का तलाक हो गया है तो क्या उसका गर्भपात का अधिकार अफेक्ट करेगा अगर मैरिटल स्टेटस प्रेगनेंसी के दौरान बदलता है या तो वो महिला डिवोर्स ले लेती है या विडो हो जाती है यानी अब वो एक सिंगल वमेन है तो नया एक्ट में इससे कोई बदलाव नहीं आएगा मतलब वहां अगर उसको अगर है वो, उनको हाँ अगर उसका आ, उनका कंडीशन एमटीपी के अनुसार है ये 24 हफ्ते के अंदर है या उसके अगर 24 हफ्ते गुजर चुके हैं तो मेडिकल बोर्ड अगर इस चीज़ को परमिट करता है कि कोई फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो गर्भपात करवाना चाहिए तो यहाँ पे उसके विवाहित या अविवाहित स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन अगर 24 हफ्तों से पहले ही वो चाहे वो विवाहित ना रहें चाहे वो विडो हो गई है तलाक हो गई है तो, तो, तो सिर्फ वो हाँ। कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है लेकिन वो चाहती है कि अब मैं अगर सिंगल हो गई तो मैं इस बच्चे नया, नहीं नया एक्ट अनमैरिड गर्ल्स के लिए भी है तो वो 1971 के एक्ट में था मैरिड वुमेन और कंसेंट ऑफ हस्बैंड भी ज़रूरी था अब ये दोनों ही चीज़ें नए एक्ट में क्योंकि अब समय बदल रहा है पचास साल बाद अमेंडमेंट्स हुए हैं तो पचास साल में हमारा समाज बहुत बदल गया है तो ये आज के हिसाब से है कि uh, ना हस्बैंड की कंसेंट की ज़रूरत है और ना ही uh, मैरिटल स्टेटस से कोई फर्क पड़ता है जी अगले सवाल की जी, 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 का का right उसका जीने का अधिकार मेरे हिसाब से ज्यादा है ये आपने जो सवाल पूछा ये बिल्कुल उसी जो हाल ही में जो तीन जजेस का जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का उससे रिलेटेड है यहाँ पर अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूँ कि ग्रे एरिया है इसके ऊपर आपको एक क्लियर ब्लैक एंड वाइट का जवाब नहीं मिल सकता कि क्या ये बच्चे का अधिकार राइट टू लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब बातों को कंसिडर किया था कि जो चौबीस हफ्ते से ज़्यादा का गर्भ हो चुका है फीचर्स इतना बड़ा हो चुका है क्या उसके अंदर उस हार्ट बीट आ गई है क्या उसका जीने का अधिकार है क्या उसको जन्म देना ही चाहिए मतलब क्या हमारे ऊपर एक कानूनी नैतिक धार्मिक हर तरह की जिम्मेदारी है और साथ साथ जो महिला है जो उस बच्चे को जन्म देगी अगर वो विवाहिता है या अविवाहिता है तो वो आगे उसका कैसे लालन पालन करेगी उसकी क्या इकोनॉमिक कंडीशन है क्या उसको ज्यादा समझदार होना चाहिए था उसको क्या उसको समय से पहले समय के अंदर ही आके अपने परमिशन uh, uh, लेनी चाहिए थी तो उसमें तो 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 कई सारे इशूज रिलेटेड हैं और परंतु तो यही मैं यह कह कि अभी मानसिक तौर पर डेवलप है कि नहीं बहुत सारी चीजें तो इसका अभी कोई क्लियर आंसर नहीं है ये एक ग्रे एरिया है और इसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि क्या वो फैसला सही था कि गलत था परंतु कानून कभी भी जैसे कहते हैं पानी चलता रहता है पानी कभी भी रुकता नहीं है और हमारे कानून के अंदर ये बहुत अच्छी सुंदर बात है कि इतने सालों में एक संविधान का फ्रेमवर्क जरूर बना हुआ है भारत संविधान का फ्रेमवर्क बना हुआ है जो हर भारत के नागरिक का जो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है वो वही हमारे संविधान है और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें जीने का अधिकार देती हैं और समय के साथ साथ परिवर्तन आता है कानून के अंदर परिवर्तन आता है जजमेंट्स ऐसी आती हैं जो परिवर्तन लाती हैं और जो जो जीवन का जो दौर नया चल रहा है उसके साथ क्या क्या जरूरतें हैं क्या जरूरते जैसे नेहा मैडम ने भी अभी, अभी बात करी कि महिलाएं ज़्यादा विकसित हो रही हैं उनका बायोलॉजिकल क्लॉक उनका करियर क्लॉक दोनों को बैलेंस करना है तो उसके अंदर एक जैसे कहते हैं कंसिस्टेंट एफर्ट चलती रहती है कि हमारे कानून बनाने वालों की कानून विशेषज्ञों की भी और हमारे कोर्ट्स की भी कि कस किस तरह से समाज के अंदर संतुलन लाया जाए संतुलन लाया जाए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ेगी जी मैम मैं मेरा नाम नयन पटेल है और मेरा यह सवाल है कि जो एम टी पी एक्ट दो हज़ार इक्कीस पास हुआ है उसकी क्या क्या सीमाएं हैं और उसमें क्या नए प्रावधान ऐसे हो सकते थे जो मुल्क में मुल्क में आम आदमी के लिए और सहजताएँ ला सकते थे क्या कुछ और प्रावधान हो सकते हैं जी नेहा है जी आपसे सवाल है सबसे पहले अगर आपने सीमाओं की बात करिए लिमिटेशंस की बात है तो एक लिमिटेशन इसमें मेडिकल बोर्ड की एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट की आ, कही गई है कि उसमें मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन को प्राथमिकता दी जा रही है बजाय एक वुमेन की इच्छा की दूसरा इसमें कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की जो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है अभी भी एमटीपी एक्ट बन गया पर कितनी महिलाएं इसका उपयोग कर रही हैं कितनी महिलाओं को इसके बारे में जागरूकता है कि सेफ अबॉर्शन एक राइट है मेडिकल फैसिलिटीज़ जो प्राइमरी हेल्थ केयर्स हैं कम्युनिटी सेंटर्स हैं वो इतने आ, कई बार मैन पावर नहीं है इक्विपमेंट्स नहीं हैं तो ये कुछ एरियाज़ हैं कि जिन पे अभी भी वर्क करने की आ, काम करने की ज़रूरत है आ, जो इनका ऑब्जेक्टिव है सेफ अबॉर्शन का हेल्थ का क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है टू रिड्यूस मेटरनल मॉर्टिलिटी रेट और यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्स एजुकेशन एंड रिप्रोडक्टिव केयर तो ये सब कर मॉर्टेलिटी रेट को कितना कंट्रोल कर पाएँ अगर हम अपने कानून की बात करें अपने देश के आंकड़ों की बात करें तो जहां हम मात्र मृत्यु दर की बात करते थे तब काफ़ी काफ़ी दर से रिड्यूस हुआ है मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है इस वक्त पर काफ़ी कम हुआ है मोरटेलिटी रेट क्योंकि अभी सेफ अबॉर्शन हुए हैं बेटर टेक्नोलॉजी है बेटर अवेयरनेस है, है तो और अभी जो युवा वर्ग है वो लोग ज़्यादा जागरूक भी हैं तो मोर्टेलिटी रेट डेफिनेटली कम हुआ है और आ,

तो ये जो एम टी पी एक्ट उन्नीस सौ इकहत्तर में आया या 2021 के अंदर संशोधन हुआ या जो बार बार जो जजमेंट्स आती हैं कोर्ट्स की वो धीरे धीरे उसी दिशा में जा रहे हैं कि महिला को हमें बराबरी का दर्जा देना है वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की वस्तु या मशीन नहीं, नहीं है।, है।, तो उसके भी अपने अधिकार हैं परंतु उन अधिकारों को जैसे कि पहले स्टूडेंट ने भी पूछा था कि उनको राइट टू चाइल्ड के साथ में भी राइट ऑफ लाइफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड उसके साथ में भी बैलेंस करना पड़ेगा तो सब जगह बैलेंस करना है और जहाँ बात आती है जागरूकता की जहाँ बात आती है बेदारी की नेहा जी आपने भी कहा था कि पता नहीं हमारी महिलाएं कितनी जागरूक हैं तो सबको जागरूक करने के लिए और देश में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम ये पेशकश भी आज इसीलिए थी ताकि लोग हमारे जो वीवर्स हैं ये जान सके कि हमारे देश में क्या कुछ कानून हैं जिनके ज़रिए आप अबॉर्शन के ताल्लुक से जानकारी हासिल कर सकते हैं और कितने वीक में मतलब आपको इसकी इजाज़त होगी और किन किन सतहों पर किन किन कंडीशन में क्या कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके तहत आप इनको करवा सकते हैं मुझे उम्मीद है आज की इस पेशकश से हमारे वीवर्स ने ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा जानकारी हासिल की होगी मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने आज की इस पेशकश में शिरकत की हम अपने नाजरीन से यहां पर इजाजत लेंगे आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल कुछ अहम मालूम के साथ फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू के साथ तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत आधा